अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अत्तापुर डिवीजन जलाल बाबा नगर इलाके में मुसलसिल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर ड्रेनेज ना होने की वजह से अवाम परेशान है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। गंदा पानी सड़कों पर खड़े होने की वजह से कई बीमारियों के अंदेशे हैं। एक तरफ म्युनिसिपल इलेक्शन में सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर वोट मांगने के लिए गली गली फिर रहे हैं, वहीं पर ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं जो पिछले 5 साल में पूरे नहीं हो पाए। अवाम को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि हमारे मसलों को जो हल करता है वही कामयाब हो, उसी को कामयाब करे। और जो बातों नहीं है सिर्फ वादे करके मुकरने वाले हैं, उनको इख्तदार में ना लाएं। ऐसा हम सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि इनको पता चले कि ये लोग अब बातें करने से नहीं बल्कि काम करने से उनको वोट मिलेगा। बहरहाल देखना है कि ये मसला कब और कैसे हल होगा। जुल्फिकार हुसैन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम मोहम्मद जी। यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा था। क्यों आप इतला दिए पार्टी मेंबरों को? इतला दिया, बोले ये बोले मंदिर से क्या है, खम्भे उम्भे जलाने लगा है जी। अब ये ड्रेनेज का है, पानी बह रहा जी। आपके इलेक्शन में MLA भी तो जो प्रकाश गोर साहब थे आए थे जी, पूरा करा तो मुझे बोले कोई काम ही नहीं करा, वोट डालो ये करा। कब से बोल रहे हैं आप लोग, ये कब से बोल रहे हैं? हमारे क्या है कई भाया फिर रहे उनके पीछे, 8 साल से फिर रहे, 8 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं करा, एक पैसे का काम नहीं करा। कारपेंटर भी उनका MP के ऊपर भी दुनिया का करे पूरे जाकर, कोई काम नहीं करा। तो आप क्या चाह रहे हैं अभी इनसे? वोटों के ऊपर आ रहे काम करा रहे, MM करा रहा ना, TRS करा रहा, कोई भी नहीं करा, दोनों भी कोई भी नहीं करा रहे। बोलो जी कहाँ जा रहा साहब, खाली कारपेटर MLA MP मिनिस्टर सब उनको पूरा कराते बोल रहे, हम गरीब कहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं महमूद यूसुफ बात कर रहा हूँ, ओल्ड जलाल बाबा नगर से। ये बस्ती जो है 50 साल पुराना है, ये बस्ती जो है 50 साल पुराना है। मस्जिद है, मंदिर है, कब्रस्तान है, लाइट है, नल है, टैक्स बन रहे, हर चीज़ बन रहे। और जो है सो ये लोग आज जो है सो अपना ये बंदिया वाले जो है सो साल में एक बार आते, साल में एक बार। अब लोग आप देखें ना भी नालियाँ उलियाँ, हर घर में जाना बोलो तो पैर में गए तो बोला पैर जो है कच्चा कर लेके जाना पड़ता है, फिर वो अंदर दौड़ जाना पड़ता। ये बंदिया वाले नहीं आ रहे, और गुजारिश क्या है बोले तो, और जो है कमिश्नर को आप लोग जरा थोड़ा तोज्जो दे के वो लोगों को करना। ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, उन्होंने IAS ऑफिसर क्या ये तरीका रखते, कौन काम कर रहे क्या नहीं काम कर रहे। और उसके बाद में ये तो ये है लगे ऊपर से LRC में जो है पूरा इन्हों मोदी साहब अलग कर दिए पूरे। एक मिनट, ऑलरेडी MLA साहब को इन्फॉर्म करे जिसके बारे में प्रकाश अन्ना को कंप्लेंट करे, प्रकाश गौड़ साहब को कंप्लेंट करे, उनको 3-4 बार ला भी लिए और उन्हें कोशिश कर रहे नहीं बोल के नहीं, कोशिश कर रहे, लेकिन फॉरेस्ट वाले उनको भी सता रहे। असेंबली में यह बात उठाए प्रकाश, फॉरेस्ट वाले कौन है ये? फॉरेस्ट वाले जो है सो विष्णुवर्धन मेन है। उन्होंने हर एक अम्माम पैखाना, अगर पुराने घर आए ना भाई, पुराना घर आए, एक लैट्रिन बनाना बोले तो उसको 50,000 रुपये जाना कहते, कितना 50,000 दे तो लैट्रिन बनाता कहते ना, तो नहीं बनाता कहते। विष्णु नाम है विष्णुवर्धन, आर आर डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट है भाई। वार्ड नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर? 61 जी, 61 आ रहा है। सुने भाई, यहाँ पर जो है सो मस्जिद के सामने ठहर के बात कर रहा हूँ, मुसलमान को जो नमाज को जा रहे पूरा चिक्कड़ में कीचड़ में, जो है सो लुंगियाँ हैं वो पैंटा जो भी है सो खराब हो जा रहे हैं लोगों का। और नमाज पढ़ना बोलता है फिर 2-3 बार वजू करना पड़ रहा है लोगों को, बेचारों को। और आने जाने वाले जो तरकारियाँ और क्या बंडियाँ बेचना वो लोग भी गिर जा रहे हैं यहाँ पर नीचे आके, कहीं पर गिर जा रहे हैं बेचारे वो लोग। ये क्या है तेलंगाना के पार्टी में क्या है, तेलंगाना को ज्वाइन करके हाँ, और हो सको तो महमदुल साहब को यहाँ पर बुला के ये बताया, यहाँ चिल्ले गए नमाज पढ़ाया हमें मस्जिद में, मेरे घर में आके चाय पिए गए। महमदुल साहब भी देना और KTR साहब को भी सलाम करता हूँ, KCR साहब को भी सलाम करता हूँ मैं, लेकिन प्लीज ऐसो ये करना। देखो विष्णुवर्धन पूरा काम कर रहा है, लेकिन उनका जमीन रहे तो NOC बता बोलो, पेपर बता बोलो।